हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन फायर इसके ब्रांड न्यू एपिसोड में गाइस। और इस बार हम हमारा चार्मेंडर पकड़ने वाले हैं गाइस। गाइस तो हमने इससे तो बात कर ली, तो गाइस अभी हमें हमारा चार्मेंडर मिलने वाला है गाइस। तो चले चलते हैं जल्दी से हमारे चार्मेंडर के पास, चले चलते हैं। और ये रहा हमारा चार्मेंडर, तो मैं पहले इस तरफ देख लेता हूँ। ओके, तो इस बार बारिश बंद हो गई गाइस, तो चले जल्दी से ले लेते हैं हमारा चार्मेंडर। चार्मेंडर प्लीज़ कम विथ मी गाइस। और हमें मिल चुका है हमारा चार्मेंडर। तो गाइस इसी बात पर लाइक बनती है। और गाइस मुझे ना एक बात आपको कहनी है, और एक हमारे जैसे पोकेट्यूबर है GW Killer YT, वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं हमें भी। वो भी हमारे तरह गाइस पोकेमोन गेम्स की वीडियो रखते हैं अपने चैनल पर। तो गाइस उनके चैनल को चेकआउट कर देना, मैं आपको आई बटन पर दे दूँगा उनका चैनल, तो आप वहाँ से विज़िट कर लेना, और पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, और उन्होंने एक वीडियो भी बनाई है जो कि है टॉप 5 स्मॉल यूट्यूबर्स, मतलब कि पोकी ट्यूबर्स, तो वो भी आप देख लेना, आपको मज़ा आएगा। तो ठीक है, अभी तो हम गाइस थोड़ा स्किप कर लिया था, मुझे पता है, क्योंकि हमने बैटल किया था और हमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, और क्यूबोन ने तो हमारे चार्मेंडर की वाट लगा दी गाइस। स्कल बेस अटैक मुझे पहले नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गाइस स्कल बेस अटैक ना एक अटैक के बाद ही होता है। तो जाने दीजिए, अभी क्यूबोन ने तो हरा दिया है, तो पीजी ही हरा सकते हैं गाइस, क्योंकि क्यूबोन रॉक टाइप पोकेमोन है। हमारे पिकाचू का कोई भी अटैक उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो गस्ट अटैक यूज़ कर लेते हैं गाइस, हमारा सबसे फेवरेट अटैक। लियर अटैक से हमें कुछ नहीं होने वाला क्यूबोन, तो कोई बात नहीं। फिर से गस्ट, और बहुत ही अच्छा डैमेज मिला है, और फिर से लियर कर दिया। अरे भाई तू 50 बार भी लियर कर देना, उससे पहले हम तुझे हरा देंगे। ओके, तो हमने हरा दिया है क्यूबोन को, और हमारा पीजी लेवल 19 तक पहुंच चुका है गाइस। और गाइस आप बहुत ही चिंता मत करिए, हम अभी हमारे मेटापोड को इवॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि आप सबको देखना था वो, क्योंकि बटरफ्ली मुझे कब का बना लेना चाहिए था मुझे पता है। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने कहा था, मैं लेवल 16 के बाद ही करूँगा हमारे मेटापोड को इवॉल्व, और हमने कर दिया है हमारे मेटापोड को इवॉल्व, और हमारी बटरफ्ली आ चुके हैं हमारे साथ। और गाइस ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं बटरफ्ली। और गस्ट अटैक देख सीखना चाहती है गाइस, तो गाइस हम अभी हमारा हार्डन अटैक भुला देंगे, मतलब कि फॉरगेट करा देंगे, और चलते हैं आगे हमारी जर्नी में। तो अभी हमें कोई बैटल बाकी है या नहीं देख लेते हैं। और गाइस मैंने थोड़ा स्किप कर लिया, मैंने जितने भी बैटल थे वो कर लिए, और हमारे पोकेमोन को हील करा लिया है। अभी देखते हैं हमें आगे कहाँ जाना है। अगर गाइस आपको ना इसके पहले की वीडियो देखने हैं पोकेमोन फायर एश के, तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट दे दूँगा, और आई बटन पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से देख लेना, वहाँ से आपको पहले से दिख जाएगा पहला एपिसोड, तो बहुत ही मज़ा आया है, तो देख लेना आपको मज़ा आए तो। अभी मैं स्विच कर लेता हूँ हमारे पोकेमोन को, और एवरस्टोन ले लेता हूँ पीजी के पास से, और बाद में हम किसी और को एवरस्टोन दे देंगे। और अभी फ़िलहाल हम गाइस यहाँ स्क्वाड स्क्वाड आ चुके हैं, और मुझे पता है गाइस हमें हमारा छठा पोकेमोन, लास्ट पोकेमोन मिलने वाला है गाइस। तो हमने एक ही एपिसोड में तीन तीन पोकेमोन, मतलब कि दो पोकेमोन पकड़ लिए हैं, हमारे लास्ट पोकेमोन थे वो, तो इनसे बात करते हैं स्क्वाडल्स। ओके, हमें नहीं जाने दे रहे स्क्वाडल स्क्वाड वाले, तो मैं फिर से ट्राई कर रहा था। तो गाइज़ मैं बता रहा था आपको कि हमने हमारे मेटापोड को भी इवॉल्व कर दिया, मतलब कि हमारा थर्ड पोकेमोन बहुत ही अच्छे से इवॉल्व हो गया, और चार्मेंडर भी हमारी टीम में आ चुका है गाइज। और अभी हमें सिर्फ हमारे लास्ट पोकेमोन, मतलब कि स्क्वाडल को पकड़ना है। दादी जी से बात करते हैं, स्क्वाडल यहाँ हमें बहुत ही ट्रबल करा रहे हैं, मतलब कि स्क्वाडल की वजह से हमें बहुत ही ट्रबल हो रही है, ऐसा कह रही है दादी जी। तो यहाँ कौन है गाइज देखते हैं, कौन है भाई यहाँ। ओके गाइज, तो यहाँ गाइज टीम रॉकेट है, तो मुझे लगता है हमें उनसे बैटल करना पड़ेगा। फिर से आ गई है टीम रॉकेट हमारे स्क्वाडल स्क्वाड को परेशान करने, जैसे कि एनिमे में होता है वैसा ही है इसमें भी। तो चले गाइज हम यूज़ करेंगे हमारा बल्बसोर, जो कि कमज़ोर है एकंस के खिलाफ, मुझे पता है। लेकिन गाइज मुझे ना हमारे बल्बसोर को ट्रेन करना है, इसलिए मैंने बल्बसोर को पहले बुलाया, और स्लिप पाउडर से बहुत ही अच्छा हमने सुला दिया है। तो देखते हैं आगे हमारा बल्बसोर क्या कर पाएगा। तो हम यूज़ करने वाले हैं रेजर लीफ, देखते हैं गाइस हमें कितना डैमेज मिलता है। और बहुत ही अच्छा डैमेज तो नहीं मिला यार,
मुझे लग रहा था अच्छा डैमेज मिलेगा, तो कोई बात नहीं, मुझे पोकेमॉन स्विच करना पड़ेगा। मैं बुला लेता हूँ चारमेंडर को, जो कि बहुत ही अच्छा होगा उसका एम्बर अटैक। और गाइस वो तो उठ भी गया और बाइट अटैक भी कर दिया फिर से गाइस। तो अभी हमें एम्बर, अरे गाइस ये तो पहले से फ्लेम थ्रोअर जानता है, हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इसने तो हमारे चारमेंडर की भी लाइफ कम कर दी गाइस। तो अभी हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन पिकाचू को बुलाना पड़ेगा। पिकाचू यार एक थंडरबोल्ट में इसे ना ख़त्म कर दे यार। अरे गाइस और इसने तो हमारे पिकाचू की भी सिर्फ 22 एचपी रहने दिया गाइस। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए अच्छी बात है वो पैरालाइज हो गया। और कर बाइट भाई, और बाइट अटैक कर। अरे गाइस फिर भी उसने अटैक किया और हमारे सिर्फ 8 एचपी रहने दिए हैं। तो गाइस अभी कोई बात नहीं, पिकाचू को फेंटेड हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारा स्क्वाडन लेकर ही जाएंगे, टीम रॉकेट से नहीं हारेंगे यार। ये तो बहुत शर्मनाक बात होगी हमारे लिए। कोई बात नहीं, हम थंडरबोल्ट तो ज़रूर यूज़ करेंगे। मुझे पता है इसके बाद के अटैक में हम शायद फेंटेड हो जाएंगे, मुझे पता है फेंटेड हो गए। तो कोई बात नहीं, हमारे पास हमारा बटरफ्री है अभी। और बल्बसॉर को बुला लेता हूँ मैं अभी के लिए, क्योंकि वो रेजर लिप से और स्लिप पाउडर से कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने स्लज अटैक कर दिया है और फेंटेड कर दिया हमारे बल्बसॉर को कॉफिंग ने। कोई बात नहीं, तो बटरफ्री को बुला लेते हैं गाइस। हमारी बटरफ्री नया नया अटैक करते हैं, हमारा कस्ट अटैक बहुत ही अच्छा अटैक है हमारा, और हमारा फेवरेट है, आपको पता होगा। और टैकल से तो कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं मिला, तो हमारे लिए वही अच्छी बात है। और बटरफ्री ने हरा दिया है कॉफिंग को। ओके तो बटरफ्री हमारे लेवल 17 तक पहुंच चुके हैं। और गाइस साई बीम सीखना चाहती है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। साई बीम और स्ट्रिंग शॉट हम बुला देंगे। ओके तो साई बीम सीख गई है हमारी बटरफ्री, तो चले चलते हैं। टीम रॉकेट फिर से हार गई मुझे पता है, और हमारे पास अभी हारने वाला है हमारा स्क्वाडल गाइस। वाव क्या ये खुद आना चाहते हैं हमारे साथ। ओके गाइस तो हमें मिल चुका है हमारा लास्ट पोकेमॉन स्क्वाडल। गाइस अभी हम बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग करने वाले हैं, मैं ना बहुत ट्रेनिंग करूँगा जब वर्मिलियन सिटी जाएंगे तब। और गाइस स्क्वाडल स्क्वाड यहाँ आ चुकी है और ये बोल रहा है स्क्वाडल। जब ये गाइस ये हमारी तरफ मुड़ता है ना, तभी उसके चश्मे गायब हो जाते हैं। और अभी ये पुलिसमैन ने हमें दिया है ब्लैक ग्लासेस। ओके गाइस ऑफिसर जैनी को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो एक पुलिसमैन दिया है। और गाइस हमने इस घर में विजिट नहीं किया था, तो देख लेते हैं गाइस क्या कहती है ये लड़की। वर्मिलियन सिटी यहाँ से साउथ में है। ओके तो चलो गाइस हम चलते हैं हमारी वर्मिलियन सिटी की, और देखते हैं गाइस हम और क्या न्यू एडवेंचर्स करेंगे। तो चले गाइस चलते हैं। मैं सारे पोकेमॉन को हील करा के आ गया हूँ और एक और बैटल करना पड़ेगा। मैं हर रोज़ सबसे बैटल करने के लिए यहाँ वेटिंग करता हूँ। तो गाइस अभी हम हराने वाले हैं इस बग कैचर को हमारे बल्बसॉर की मदद से। तो बल्बसॉर के कौन से अटैक ज़्यादा चलते हैं देखते हैं। और हम यूज़ करने वाले पॉइजन पाउडर, मुझे पता है शायद ये काम नहीं करेगा, क्योंकि गाइस उसके पास पॉइजन स्टिंग है, वो पहले से पॉइजन वाला पोकेमॉन है, इसलिए उस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। और मैंने फिर से गलती से क्लिक कर दिया और हमने स्लिप पाउडर से सुला दिया है उसे। तो अभी हम यूज़ करने वाले हमारा रेजर लीफ, देखते हैं गाइस रेजर लीफ कितना डैमेज देता है। और डैमेज तो काफ़ी कम मिल रहा है गाइस, ये मुझे ना बहुत ही ख़राब लग रहा है। मतलब कि बल्बसॉर के सारे अटैक मतलब सिर्फ रेजर लीफ और वाइन वेप है, वो भी काम नहीं कर रहे। तो अभी हम हमारे पावरफुल चारमेंडर को बुला लेते हैं, क्योंकि बग टाइप के सामने चारमेंडर के अटैक्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, आपको पता होगा। तो फ्लेम थ्रोअर से एक ही अटैक में हमने हरा दिया है वीडल को। और आगे कौन है जल्दी से भेजिए, हमारा चारमेंडर सबको ख़त्म कर देगा। ओके बीड्रिल है गाइस, तो ये तो थोड़ा तगड़ा होगा, तो इसलिए मैं पोकेमॉन नहीं चेंज करूँगा। कोई बात नहीं, मैं फ्लेम थ्रो से ख़त्म करना चाहूँगा। देखते हैं गाइस इसके फ्यूरी अटैक कब तक चलते हैं। ओके एक और फ्यूरी अटैक गाइस, और हमारी सारी लाइफ मतलब कि आधी लाइफ तो डैमेज कर ही ली इसने। और फ्लेम थ्रोअर से बहुत ही अच्छा डैमेज दिया है हमारे चारमेंडर ने, और बर्न भी कर दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके चारमेंडर ट्विनिडल यूज़ किया है उसने, और एक और बार। ओके तो हम आसानी से हरा सकते हैं बीड्रिल को, और हरा दिया है हमारे चारमेंडर ने। लेवल 15 वर्सेस लेवल 17 था गाइस, तो हमारा चारमेंडर लेवल 16 तक पहुँच चुका है और ड्रैगन रेज सीखना चाहता है।
तो हम सिखा देते गाइस। मुझे बहुत ही पसंद है ड्रैगन रेज, बहुत ही तगड़ा अटैक होता है। और लियर को बुला देते हैं अभी के लिए। ओके, तो लियर हमारे बुला दिया है और फॉरगेट कर ले मतलब कि। और गाइस हमारा चार्मेंडर लेवल 17 तक भी पहुंच गया। ओके, तो अभी हम बुलाने वाले हैं हमारे बल्बसौर को ताकि उसको थोड़े पॉइंट्स मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ही पीछे रह गया है। मुझे पता है ककून आ रहा है, तो ककून को सिर्फ हार्डन यूज़ करेगा तो मुझे पता है, इसलिए मैं वाइन वेप यूज़ करने वाला हूँ गाइस। तो वाइन वेप तो बहुत ही कम डैमेज मिल जाएगा इस वाइन वेप से, तो मुझे रेजर लीफ या फिर पॉइजन पाउडर यूज़ करना पड़ेगा। तो पॉइजन पाउडर यूज़ किया लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो खुद पॉइजन टाइप पोकेमोन है। तो गाइस मैंने थोड़ा स्किप कर लिया क्योंकि बहुत ही बोरिंग था। तो गाइस हमने हरा दिया है और आगे चलते हैं अभी। ओके, आगे किस किस से बैटल करने पड़ेंगे मुझे देखना पड़ेगा, तो हम बैटल ज़रूर करेंगे सबसे। तो फिर से यहाँ तो बात कर चल रही है और मैं ग्रास में थोड़ा गाइस हमारे पोकेमोन को ट्रेन कराने वाला हूँ। तो गाइस मैं एक दो पोकेमोन से ट्रेनिंग करूँगा अभी के लिए, मैं थोड़ी ट्रेनिंग कर लेता हूँ। हमारे बल्बसौर की ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं गाइस, पॉइजन पाउडर यूज़ करते हैं और सैंड अटैक कर दिया है पीजी ने, तो मैंने स्किप कर दिया गाइस, क्योंकि गाइस मुझे ट्रेनिंग दिखा कर आपको बोर नहीं करना है ज़्यादा। तो चले जल्दी से अभी हम यूज़ कर लेते पोशन, क्योंकि हमें आके बैटल करना है चार्मेंडर को। तो हमने पोशन दे दिया है और हमारे बल्बसौर को भी पोशन देना बाकी था जो मैं भूल गया। लेट मी टेस्ट माई स्किल, मुझे मेरे स्किल टेस्ट करने दो तुम्हारे पास। ओके, यूज़ कर लो तुम्हारे स्किल क्या है मैं देख लेता हूँ। और बटर भी आ चुकी है और बल्बसौर तो अभी फेंटेड होने वाला है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हम यूज़ करेंगे स्लिप पाउडर और उसने स्टन फॉर यूज़ कर लिया गाइस, हमें पैरालाइज कर दिया है। और हमने यूज़ कर लिया स्लिप पाउडर और देखते हैं गाइस हमारा बल्बसौर क्या करेगा। उसने स्लिप तो करा लिया, तो अभी हम पोकेमोन चेंज कर देंगे, चार्मेंडर को बुला लेंगे जो कि एक ही अटैक में शायद ख़त्म कर सकता है बटरफ्री को, क्योंकि बटरफ्री बग टाइप पोकेमोन है आपको भी पता होगा। और गाइस अभी हम ड्रैगन रेज यूज़ करने वाले, हमारा नया अटैक देखते हैं गाइस कितना डैमेज देता है हमारा ड्रैगन रेज। बहुत ही अच्छा डैमेज दिया लेकिन गाइस फेंटेड नहीं किया, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं थी। लेकिन गाइस उसने स्लिप पाउडर यूज़ कर लिया, बटरफ्री भी बहुत ही चालाक है गाइस, उसके स्किल तो अच्छे हैं। तो अभी हमें पोकेमोन ही चेंज करना चाहिए, अवेकनिंग ही यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो हम अवेकनिंग यूज़ कर लेते हैं और चार्मेंडर उठ गया है। और एक बार स्लिप पाउडर मत यूज़ करना प्लीज़। ओके, हमारे लिए वही अच्छी बात है। और चार्मेंडर को काफ़ी डैमेज दे दिया है गाइस सिर्फ गस्ट अटैक से, आप देख सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ गस्ट अटैक थोड़ा तो पावरफुल है। तो देखते हैं कितना डैमेज मिलता है। ओके, तो हमने पेंटर कर दिया गाइस इसके बटरफ्ली को और आगे चलते हैं अभी। और हमारा बल्बसौर लेवल 15 तक पहुंच चुका है और टिक डाउन सीखना चाहते हैं। तो गाइस हमारे पास कोई और पावरफुल अटैक नहीं है, तो मैं स्लिप पाउडर बुला देता हूं गाइस, स्लिप पाउडर ही बुलाना पड़ेगा टेक डाउन। मुझे पता है कि टेक डाउन में थोड़ी एचपी हमारी भी कम होती है, लेकिन गाइस हमारे पास और कोई पावरफुल अटैक नहीं है। और लेवल 16 तक भी पहुंच चुका है हमारा बल्बसौर और चार्मेंडर लेवल 18 पर, और वो फ्यूरी अटैक सीखना चाहते हैं गाइस। मुझे फ्यूरी अटैक पसंद नहीं है, तो मैं नहीं सिखाऊंगा फ्यूरी अटैक। मुझे पता है कि वो 5 बार या फिर 2-3 बार अटैक करते हैं फ्यूरी अटैक, मतलब कि फ्यूरी स्वाइप्स। तो अभी हम तो फ्यूरी स्वाइप्स नहीं सिखाने वाले। ओके, तो हरा दिया हमने, नॉट बैड। ओके, थैंक यू। और बल्बसौर अभी से इवॉल्व होना चाहते हैं भाई, तुझे तो हमारी सारी जर्नी में इवॉल्व ही नहीं होना। और चार्मेंडर तुम थोड़ी ठंड रखो, तो मैं लेवल 20 के बाद इवॉल्व करेंगे हम। और इस तरफ देख लेते हैं गाइस, इस तरफ तो कुछ नहीं था, तो अभी गाइस थोड़ा मतलब कि अंधेरा होगा क्योंकि मैं शाम को ही खेलता हूँ ये गेम। और ये कौन है गाइस, ये पत्थर था नहीं, मुझे तो कोई पोकेमोन जैसा दिख रहा था, जाने दीजिए। और यहाँ एक लाइट हाउस है, तो देख लेते हैं गाइस यहाँ हमें शायद बिल मिलने वाला है। एम आई राइट और रॉन्ग गाइस, मुझे नहीं पता। तो मैं पहले इस तरफ देख लेता हूँ, क्या हम वर्मिलियन सिटी तक पहुंच चुके हैं। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं वर्मिलियन सिटी। तो सबसे पहले हमारे पोकेमोन को हील करा लेते हैं, बाद में चलते हैं विल के पास। चले जल्दी से हमारे पोकेमोन को हील करा लेते हैं। और गाइस उस लड़की के पास भी बटरफ्ली है जो कि हमें टेलीपोर्ट कर सकती है। मुझे पता है सारे शहर में
टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए अभी जल्दी से बिल के पास चलते हैं गाइस और देखते हैं कि बिल क्या देगा हमें और हमें क्या करना है बिल के साथ। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ गाइस मुझे कौन से पोकेमॉन को स्विच करना चाहिए ताकि हमें उसका लेवल बढ़ा सके। तो मैं अभी स्वाडल को स्विच कर लेता हूँ, वो पीछे रह गया है थोड़ा, लेवल 15 तक आ चुका है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन गाइस लेवल 15 अभी तो हमारे सारे पोकेमॉन लेवल 16 17 18 20 तक पहुँच चुके हैं, तो उसे भी पहुँचना चाहिए इसलिए। तो गाइस ये कौन है? ये शायद बिल ही है पोकेमॉन के बेस में। हाय देयर, नो आई एम नॉट अ पोकेमॉन, वुड यू माइंड हेल्प मी आउट, थैंक्स सो मच, हेयर टेक दिस आइटम। ओके गाइस तो हमें मिल चुका है ओल्ड रॉड जो कि बिल ने हमें दिया है। ओके तो ओल्ड रॉड हमें सिर्फ सी में काम लगेगा, मतलब कि समंदर में। और ये कंप्यूटर तो चल नहीं रहा गाइस, ये कैसी बात हुई? और हम तो टेबल पर चढ़ गए, ये क्या हो रहा है यार, ये कंप्यूटर नहीं चल रहा मतलब कि। तो मैं फिर से ट्राई करने की कोशिश कर रहा था और इससे फिर से बात कर लेते हैं। मैंने बहुत स्टडी किया है लॉन्ग टाइम रेयर पोकेमॉन के ऊपर। ओके और ये तुम्हारी मशीन है? तो गाइस मुझे लगता है वो ये इस मशीन से ही पोकेमॉन के बेस में आ जाता है, और यहाँ तो पीसी है मुझे पता है। तो अभी हम इस पीसी में से कुछ नहीं करने वाले, तो चले अभी के लिए फ़िलहाल इस पीसी को बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके ये क्या है भाई, ये सारी बुक्स थी। तो चले गाइस मुझे लगता है हमारा काम यहाँ ख़त्म हो जाता है, बिल को पोकेमॉन के बेस में से हेल्प करने में, उसके रियल अवतार में आने के लिए। ओके तो चलते हैं गाइस आगे। और गाइस हमें अभी हमारे वर्मिजन सिटी में हमारा जिम बैच जीतना है, आपको शायद पता ही होगा। तो अभी मैं देख लेता हूँ ये क्या कर रहे हैं भाई। और यहाँ एक पोकेबॉल है गाइस, TM111 डेजलिंग ग्लीम। तो गाइस ये तो बहुत अच्छा अटैक लगता है, तो मैं इसे मैचअप से बात कर लेता हूँ। मैचअप ही है ना? ओके मैचअप है। और इनके ट्रेनर से बात कर लेते हैं। और ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं इस प्लॉट में, और मेरे एम्प्लॉयर ने कहा था कि रिसर्च कर रहे थे और इसमें फाउंडेशन है भाई जाने दीजिए, तो ये मैचअप से काम करवा रहे हैं मुझे पता चल गया। तो आगे चलते हैं गाइस और हमें यहाँ आना है। और गाइस यहाँ तो ब्रॉक है, तो क्या हमें ब्रॉक से बैटल करना पड़ेगा? ब्रॉक ही है ना यार, मुझे दिख नहीं रहा अच्छे से। तो पहले मैं इस लड़की से बात कर लेता हूँ। क्या तुम्हें स्पीरो चाहिए? हमारे पास फारफेच नहीं है भाई, मतलब कि वो फारफेच देगी हमें और हमें स्पीरो देना है उसे। तो अभी तो मेरे पास स्पीरो नहीं है। और गाइस मुझे पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि ये अंकल हमें बाइसिकल देने वाले हैं गाइस। आप सबको शायद पता होगा अगर आपने पोकेमॉन फायर रेड या फिर पोकेमॉन लास्ट फायर रेड वो गेम्स खेली हो, तो बाइसिकल मिल चुके हैं हमें। तो गाइस हमारे लिए वही अच्छी बात है। और अभी तो हमें वो कुछ नहीं सुनाने वाले, असल में गाइस वो अपनी पोनीटा की बातें सुनाते हैं कि उसकी पोनीटा चोरी हो गई या फिर क्या हो गया मुझे नहीं पता। तो अभी के लिए गाइस इस एपिसोड में इतना ही, मिलता है आपको अगले एपिसोड में। गाइस मज़ा आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और गाइस हम बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग करने के बाद ही हमारे जिम बेस की तरफ जाएंगे। मिलता है आप सबको अगले एपिसोड में। बाय गाइज़।